पहले भी जिस प्रकार से आपको सूचित कर दिया है कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन कर दिया है, और उस लॉकडाउन के तहत जो है काफ़ी चीज़ों को लेकर के हमने हाउस में भी आज क्लियर कर दिया है। उसके अतिरिक्त दो तीन पॉइंट्स जो है जिस पर मुझे आपके समक्ष अपनी बात कहनी है। क्योंकि इस लॉकडाउन का बहुत बड़ा प्रभाव जो है प्रदेश के विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाला है, और ऐसी परिस्थिति में सरकार की ओर से इस स्टेज पर जो चीज़ें हम कर सकते हैं मदद के रूप में, उस दृष्टि से कुछ चीज़ों की हमने आज से शुरुआत की है, और जैसे जैसे आने वाले समय में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी वो निर्णय हम उस वक्त लेते रहेंगे। पहला, एक तो हमारी सरकार के द्वारा जो एक निर्णय लिया गया था उसके अनुसार लगभग 5,34,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों को माह अप्रैल 2020 के पहले सप्ताह में ही प्रथम तिमाही की पेंशन जारी कर दी जाएगी। यानी कि ऐसे लोग जो बहुत गरीब हैं और जिनको पेंशन एक बहुत बड़ा जरिया होता है मदद का, उनके लिए जो है हम जो बढ़ी हुई दरों के साथ जो है पेंशन जो है वो 3 महीने की पहले ही जो है वो इसमें जो है वो सप्ताह में जो है वो हम जारी कर देंगे अप्रैल के। और इसमें लगभग 1,25,000 विधवा तथा 100 वो सब इसमें शामिल हैं, और इनके लिए मासिक पेंशन 850 रुपये से बढ़ाकर 1,000 कर दी गई है। जिनके पहले 850 रुपये मिलती थी, अब वो बढ़ी हुई जो हम अभी जो पेंशन जो 3 महीने की जो हम देने की बात कह रहे हैं उसमें 1,000 रुपये जो है वो पेंशन को दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम श्रेणी सशक्तिकरण विभाग को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि वो 50,000 नए पात्र लोगों को शीघ्र ही पेंशन देने के लिए तत्काल कदम उठाए। यानी कि जो हमने एक टारगेट तय किया कि जो 50,000 जो हमारे जो पेंशन के जो लंबित मामले हैं अभी, उन सभी मामलों को भी जल्दी से जल्दी प्रोसेस करके जो है उनको भी पेंशन दे दे, ताकि उनको भी इस दौरान जो है मदद हम करने की परिस्थिति में आगे बढ़ सकें। दूसरा, प्रदेश में कार्यरत विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत वर्कर जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाएं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स, सिलाई अध्यापकों, मिड डे मील वर्कर्स, जल रक्षक, पैराफिटर, पैरापंप ऑपरेटर, नंबरदार, पंचायत चौकीदार इत्यादि को 1 अप्रैल 2020 से बढ़ा हुआ मानदेय जो कि अभी बजट में हमने घोषित किया है वो दिया जाएगा। इसके साथ ही दैनिक वेतन भोगी तथा आउटसोर्स कर्मियों को भी बढ़ी हुई दिहाड़ी का लाभ 1 अप्रैल 2020 से मिलना आरंभ हो जाएगा। ये दूसरा एक हमने एक मदद का एक रास्ता उसमें निकाला है। तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो ऐसे हमारे भवन एवं निर्माण कामगार बोर्ड के माध्यम से इस क्षेत्र में पंजीकृत लगभग 1,50,000 कामगारों को 2,000 रुपये की वन टाइम तुरंत राहत देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। ऐसे वर्ग जो दिहाड़ीदार हैं विभिन्न क्षेत्रों में जो भवन निर्माण और कामगार बोर्ड के माध्यम से जिनको पंजीकृत किया गया है, तो ये संख्या भी जो है वो 1.5 लाख के लगभग जो है पूरे प्रदेश भर में है। तो एक बार उनको जो है वन टाइम जो है 2,000 रुपये देने की राहत जो है हमने देने का निर्णय किया है। इसके अलावा हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि टारगेटेड पीडीएस धारकों को 2 माह का आटा तथा चावल एक साथ एडवांस में दिया जाएगा। आटा तथा चावल जो पीडीएस है हमारे,
और ये विशेष तौर से इस दिशा में कदम उठाएगा जो होर्डिंग वाला एक विषय आ रहा कि भाई जमाखोरी का कि इस प्रकार से भगदड़ ना मचे बिना मतलब के, तो इनको ये एडवांस में हम जो है वो ये आटा तथा चावल दो चीज़ों को जो है समय पर हम उपलब्ध करा देंगे, एडवांस में दे देंगे। इसके अतिरिक्त आज विधानसभा सत्र के दौरान जो माननीय विधायकों ने एक विषय उठाया था कि विधायक क्षेत्र विकास निधि में से कोरोना के वायरस से निपटने के लिए आवश्यक जो मास्क है, सैनिटाइजर है और इसके अलावा पर्टिकुलरली दो चीज़ों को लेकर जो आग्रह आया था कि इसकी जहां मांग बढ़ती जा रही है ऐसी परिस्थिति में विधायक निधि को में इसको जो है परमिसिबल किया जाए, तो ऐसे में हमने एक निर्णय किया है कि इसको विधायक निधि की जो परमिसिबल एक्टिविटी जो होती है उसमें इसको शामिल कर दिया ताकि विधायक निधि से भी हम उसमें उनको मदद कर सकें, इस आवश्यकता को पूरा कर सकें। इन सब राहतों को अगर हम उपायों का अगर हम जिक्र करें जिनका मैंने अभी जिक्र किया, इसके माध्यम से लगभग 500 करोड़ रुपए सरकार जो है उस पर खर्च करेगी इन सारी चीज़ों पर। तो ये प्रमुख रूप से आज के हमने इनिशियल स्टेज पर जो तीन चार हमने वो स्टेप लिए। इसके अलावा थोड़ी सी एक दो चीज़ों को लेकर मुझे आपके बीच में जानकारी जो साझा करनी है, आज जो है वो टोटल जो है वो सस्पेक्टेड जो सैंपल जो हमने लिए थे वो 14 थे और 14 के 14 जो है वो नेगेटिव पाए गए हैं, एक तो ये जानकारी। और इनको मिला करके 14 को मिला करके अगर पूरे प्रदेश भर में हम इस बात को देखें तो टोटल 71 जो है वो सैंपल जो है अभी तक लैब में भेजे गए थे, 71 भेजे गए थे, उसमें से 69 जो है वो नेगेटिव आए हैं और सिर्फ 2 पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ साथ में जो एक विषय को लेकर के वो सरकारी कर्मचारियों का जिक्र कर रहे थे कि वो कितनी संख्या में आएंगे दफ्तरों में, तो इसके लिए भी हमने मोटे तौर पर आज थोड़ी सी एक्सरसाइज की और इसको हमने जो है वो जो हमारे HOD हैं डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो निर्धारित करेंगे और इसमें सिर्फ स्केल्टल मिनिमल स्टाफ जो है वो जो अपने कार्यालय में रखने के लिए हमने बोला है। और इसी तरह से जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल डेली वेजर जो है पार्ट टाइमर जो है वो भी उसी तरह पर स्केल्टल स्टाफ जो है छोटा स्टाफ यानी कि मिनिमम स्टाफ जो है जिससे काम चल सके सुचारू रूप से, तो थोड़ा उस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये भी हमने निर्णय लिया है। और उसके बाद और कोई डिटेल्स की जरूरत है जी, हाँ इसमें विशेष तौर से इसमें किसी की दिहाड़ी नहीं कटेगी यानी कि कोई जिसको हम नहीं बुलाएंगे डिपार्टमेंट की ओर से बुलाएंगे नहीं, ऑफिस नहीं बुलाएंगे, घर में होगा तो उसकी दिहाड़ी उसके बावजूद भी उसको मिलती रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होगी सर उनके लिए, दूर से आते करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने अभी मोटे तौर पर यह किया कि जो सरकारी गाड़ियां अलाउ की है उसमें और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने के लिए थोड़ा सा वर्कआउट कर लेंगे, थोड़ा और क्या किया जा सकता है। प्राइवेट गाड़ियां कर्मचारियों को दफ्तर आने के लिए अलाउ कर देंगे, इतना ही होगा और बाकी और डिटेल्स कुछ चीजें चाहिए होंगी तो उन सारी चीजों को लेकर हम कल आपसे बात करेंगे। सर एक पूछा, कांगड़ा में कोई व्यक्ति जो है उसकी डेथ हुई है और सस्पेक्ट बताया जा रहा था, कोई ऐसी सूचना है? जानकारी मिली है तिब्बतन एक थे और वो अभी 21 तारीख को ही हिमाचल में प्रवेश किए थे और आने के बाद बीमार होने के बाद जो है वो आज हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल बालाजी हॉस्पिटल है वहाँ लेकर के गए थे, वहाँ उनकी डेथ हो गई और उनके जो है वो सैंपल लेकर के फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गए हैं, तो अभी तक रिपोर्ट अवेटेड है, तो जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद कुछ कहने की स्थिति में बताएंगे। ट्रैवल हिस्ट्री वो अमेरिका से आए थे और दिल्ली के बाद फिर उसके बाद वहाँ से टैक्सी के द्वारा धर्मशाला पहुंचे थे, ये जानकारी अभी तक मिली है। और थैंक यू।